नमस्कार दोस्तों, 28 अगस्त 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सैटरडे है आज दोस्तों। चार आर्टिकल्स छपे हैं, जिसमें से हम लोग तीन आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है आपका एसेट मोनेटाइजेशन को लेके। ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बनी है, अगर इसकी फंक्शनिंग को समझने में अभी भी आपको प्रॉब्लम है तो इस आर्टिकल के बाद वो क्लियर हो जाएगी, तो इस आर्टिकल को देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे केरलाज राइजिंग कोविड-19 केसेस। एकदम से केरला में ये पिछले कुछ महीनों में केसेस बहुत ज्यादा क्यों बढ़े हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। सेरो प्रेवलेंस सर्वे के रिजल्ट से इसको जोड़ा गया है। फिर तीसरा, ये जो बॉम्बिंग हुई है ओवरऑल काबुल एयरपोर्ट पे, और काबुल की जियोपॉलिटिक्स कैसे इवॉल्व हो रही है, अफगानिस्तान की जियोपॉलिटिक्स, और ये जो आइसिस खुरासन है इसके तालिबान के क्या क्या लिंक्स हो सकते हैं, और इंडिया को यहाँ पे कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए इसके बारे में व्यू पॉइंट दिया गया है। इंडिया को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए इसके बारे में जो भी व्यू पॉइंट्स दिए गए उस पर भी थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। और चौथा आर्टिकल है जजेस के अपॉइंटमेंट को लेके। जजेस के अपॉइंटमेंट को लेके, जैसे कि अभी नई 9 जजेस के नाम रिकमेंड किए गए, उनको सेंटर ने अप्रूवल दे दिया है, आकिल कुरैशी वाला इशू, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो इस पर्टिकुलर मैं आर्टिकल को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। रीजन बीइंग, इस आर्टिकल को बहुत डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो देर इज नो नॉट फॉर रिपीटिंग द आर्टिकल, ठीक है। तो तीन आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, उससे पहले अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं वो किसने किसने ज्वाइन किया। तो प्रियंका शर्मा ने हमको ज्वाइन किया। प्रियंका शर्मा का ये 6th मंथ है एज ए मेंबर। वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक प्रियंका, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसिस्टेंट सपोर्ट। 7 मंथ एज ए मेंबर, 6 महीने से ही हैं, दिस इज हर 7th मंथ एज ए मेंबर। देन पोटैटो स्वीट्स ने हमको ज्वाइन किया। श्रेया उपाध्याय ने हमको ज्वाइन किया। शेखर सुमन ने हमको ज्वाइन किया। शेखर सुमन का ये 2nd मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक शेखर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सौम्या सिंह ने हमको ज्वाइन किया। रोहन राज ने हमको ज्वाइन किया। रोहन राज का ये 2nd मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक रोहन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड रुचि सिंह ने हमको ज्वाइन किया। तो रुचि सिंह, रोहन राज 2nd मंथ एज ए मेंबर, सौम्या सिंह, शेखर सुमन 2nd मंथ एज ए मेंबर, थैंक यू सो मच रोहन एंड शेखर, श्रेया उपाध्याय, पोटैटो स्वीट्स, एंड स्पेशली थैंक्स टू प्रियंका शर्मा 7 मंथ एज ए मेंबर। आई वेलकम यू ऑल गाइज एंड गर्ल्स टू माई चैनल एज ए मेंबर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट। उसके साथ साथ आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। देखिए, शेयर करने में कुछ भी नहीं जाएगा, और जिसको भी आप बताओगे उसके काम का ही है ये चैनल। रीजन बीइंग कि करंट अफेयर्स की बातें हो रही हैं तो ओवरऑल सबके लिए यूजफुल है। इंस्टाग्राम पे चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प भी कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप याद से ज्वाइन कर लीजिए लेक्चर की पीडीएफ के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से, एसेट मोनेटाइजेशन एग्जीक्यूशन इज द की। द गवर्नमेंट प्लांट्स नीड्स एन एसेट मोनेटाइजेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी टू इवेलुएट द एग्जीक्यूशन। क्या बोल रहे हैं? देखिए, रिसेंटली सरकार ने एक एम्बिशियस प्रोग्राम लॉन्च किया है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। सुनी लिया होगा अब तक आपने, करंट अफेयर्स में डिस्कस कर रहे हैं, आज भी डिस्कस किया, पिछले 2-3 दिन से न्यूज में। सरकार को ये उम्मीद है $6 ट्रिलियन का रेवेन्यू आ सकता है, मतलब 5.96 लाख करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है, ऐसा यहाँ पे सरकार को ओवरऑल उम्मीद है। तो लगभग 6 ट्रिलियन रुपीज हो गया। सरकार के फाइनेंसिस वैसे ही हिले हुए हैं, इसलिए ये स्कीम लाई गई है। हालांकि निर्मला सीतारमन जी ने साफ साफ क्लैरिफाई किया गया कि सिर्फ पैसा पाना ही इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव नहीं है, जो करंट एसेट्स हैं आपके सरकार के उनको मॉडर्नाइज करना भी इस स्कीम का एस्पेक्ट है, ठीक है। अब देखिए, एसेट मोनेटाइजेशन एक बड़ा चैलेंज है, ऐसा यहाँ पे ऑथर बोल रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट अपने एसेट्स को पार्ट कर रहा है, तो रोड को करना, कोल माइंस को करना। अब आप सोचोगे कि सर ये रोड्स हो गए, हाईवेज हो गए, कोल माइंस हो गए, ये जो स्टेडियम हो गए, ये सब तो ऑलरेडी बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसको कैसे मोनेटाइज किया जाएगा? देखिए, मान लीजिए कोई हाईवे है और इस हाईवे को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंदर सरकार ने किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दिया, तो मतलब उस हाईवे का मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनी के पास चला जाएगा। उस हाईवे की जो कीमत होगी वो प्राइवेट कंपनी सरकार को दे देगी, और फिर उस हाईवे को वो जो प्राइवेट कंपनी है वो मॉडर्नाइज करेगी, उस पर कैमरे लगाना, उस पर स्पीड को नापने वाली गन्स लगाना, उसके साथ साथ वहां पर नए टॉल लगा के अपना पैसा कमाना। अब देखिए, कोई प्राइवेट प्लेयर ठेका उठाएगा अगर किसी भी हाईवे का या किसी भी दूसरे एसेट का, तो उससे जैसे तैसे पैसा कमाने की कोशिश करेगा। मान लो कोई स्टेडियम है, ठीक है ना, मान लो कोई स्टेडियम, मान लो केडी सिंह बाबूलाल स्टेडियम है आपका लखनऊ का, अब वो सरकार के पास है अगर, और सरकार ने मान लो उसको दे दिया किसी प्राइवेट कंपनी को, तो प्राइवेट कंपनी फिर उस स्टेडियम के अंदर बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाएगी, ताकि क्योंकि प्राइवेट कंपनी को भी तो यहाँ पे पैसा कमाना है, अगर वो सरकार को पैसा दे रही है तो खुद भी पैसा कमाएगी। तो ये जो अलग अलग एसेट्स हैं जो सरकारी ओनरशिप में, वो रहेंगे सरकारी ओनरशिप में, बट लंबे टाइम पीरियड के लिए 10 साल 20 साल 30 साल के लिए प्राइवेट ओनरशिप में चले जाएंगे, और उस समय पे
वो प्राइवेट कंपनी उनको मॉडर्नाइज भी करेगी, सरकार को भी पैसा देगी और खुद भी पैसा कमाएगी। ये है सीन। तो यहां पे कोई सेल नहीं हो रहा है गवर्नमेंट एसेट्स का, ठीक है। ये कुछ ऐसे एसेट्स को मोनेटाइज कर रहे हैं जिसको ऑलरेडी बिल्ड कर रखा है या फिर पार्शियली बिल्ड कर रखा है, और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर से पैसा कमाएगी सरकार। मेन जो एसेट मोनेटाइजेशन हो रहा है वो हो रहा है रोड्स का, रेलवेज का, पावर का, ठीक है, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, टेलीकॉम, स्टेडियम्स और पावर ट्रांसमिशन की लाइन्स को भी यहाँ पे मोनेटाइज किया जाएगा। अब खास बात यहाँ पे ये है कि एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के अंदर दो फैसेट्स निकल के आते हैं। अगर आप एसेट्स की बात करो तो दो प्रकार के एसेट्स हैं, एक है अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स, एक है प्रॉपरली यूटिलाइज्ड एसेट्स। अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स क्या है कि मान लो किसी एसेट पे सरकार ने पैसा डाला, उसको बनवाया, लेकिन उस एसेट को ठीक तरीके से सरकार इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। तो मान लो सरकार ने कोई रोड बनाई, अब उस रोड पे ज्यादा ट्रैफिक है नहीं, कोई आ नहीं रहा है वहां से, या मान लो सरकार ने कोई स्टेडियम बनवाया बट उस स्टेडियम में ज्यादा कोई इवेंट होता नहीं, कोई क्रिकेट मैचेस वगैरह होते नहीं है, तो ये अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स हो गए। वहीं पे कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो सरकार ने बना रखे और अच्छा खासा यूटिलाइजेशन, मान लो कोई ऐसा हाईवे जहां पे बहुत ट्रैफिक है, तो ये प्रॉपरली यूटिलाइज्ड एसेट है। अब सारे प्रकार के एसेट्स यहां पे गिरवी रखे जाएंगे और दो प्रकार से मोनेटाइजेशन होगा। एक मोनेटाइजेशन है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, एक मोनेटाइजेशन है इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू। ओके, अब एक एक करके पीपीपी और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन दोनों को मेथोडोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक पोर्ट है या एयरपोर्ट है या स्टेडियम है या मान लो कोई एम्प्टी पीस ऑफ लैंड है जिसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, इट इज नॉट एडिक्यूटली यूटिलाइज, मतलब वो अंडर यूटिलाइज्ड है। और अगर ऐसे एसेट को आप किसी प्राइवेट कंपनी को देते हो तो जो अंडर यूटिलाइजेशन होगा, पहले तो प्राइवेट कंपनी उसको प्रॉपरली डेवलप करेगी, फिर उसकी प्रॉपर मार्केटिंग करेगी और फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेगी अपने पैसे कमाने के लिए। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ओवरऑल ये जो आइडिया है बहुत सक्सेसफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे सरकार को जो अंडर यूटिलाइज्ड एसेट है उसकी प्राइस मनी मिल जाएगी। आगे आने वाले समय में जब प्राइवेट कंपनी उसको ग्रो करेगी तो वहां पे उस पर्टिकुलर एसेट का डेवलपमेंट होगा, उसकी मार्केटिंग होगी, वहां नई नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, पैसा आएगा, तो प्राइवेट कंपनी भी कमाएगी, सरकारी कंपनी भी कमाएगी और ओवरऑल उस एसेट की जो मॉनेटरी वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। तो देख के तो लग रहा है कि हाँ भाई विन विन वैल्यू है यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि भाई देखिए, अंडर यूटिलाइज्ड एसेट को मोनेटाइज करना अपने आप में एक मुश्किल काम है, ठीक है ना। अंडर, चूंकि देखिए समझना पड़ेगा आपको, अंडर यूटिलाइज्ड एसेट, अब फॉर एग्जांपल कोई एक रोड है या मान लीजिए कोई पोर्ट है, उस पोर्ट को सरकार ने बनवा दिया, पूरी तरीके से नहीं बनवाया, उस पर कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर उस पर कहां से ट्रैफिक लेके आएगा, ठीक है ना। अभी लोगों से प्राइवेट सेक्टर कैसे बोलेगा कि तुम इस रोड का इस्तेमाल करो और हमारे टोल भरो, या फिर कैसे आप एक्सपोर्टर से इंपोर्टर्स को बोलोगे कि भाई यहां से आप अपना ट्रैफिक भेजो। वही में मान लीजिए कोई एक ऐसा सरकारी एसेट है जिसका मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर तरीके से हो रहा है, जैसे मान लो एक हाईवे है, उस हाईवे पर अच्छा खासा ट्रैफिक है, सरकार उसको बेटर मैनेज कर रही है, बट सरकार उसको स्टेट ऑफ द आर्ट हाईवे बनाना चाहती है, तो उसको प्राइवेट कंपनी पे लीज पे दे देगी सरकार। अब प्राइवेट कंपनी उस हाईवे में नई नई, जैसा कि मैंने बताया, जो भी नए नए इन्वेंशन कर सकते हैं करेगा, बट अगर प्राइवेट कंपनी एक बने बनाए हाईवे को लीज पे लेगी तो पहली बात प्राइवेट कंपनी को पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, और अगर प्राइवेट कंपनी ज्यादा पैसा खर्च करेगी तो फिर ज्यादा टोल लेके उस पैसे को वसूल भी करेगी, और लॉन्ग टर्म में उस हाईवे में कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होने वाला नहीं है, क्योंकि जब सरकार उस हाईवे को सही तरीके से मैनेज कर रही है, मतलब ऑलरेडी वो हाईवे प्रॉपरली मैनेज्ड है, देयर इज नॉट मच स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। तो स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट यहाँ पे काफी लिमिटेड हो जाता है, समझ गए। तो यहाँ पे ऑथर पहले बोल रहा है कि अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स में इंटरवेंशन ज्यादा जरूरी है, जो एसेट्स प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं उसमें आपको एक्स्ट्रा इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। एक बात तो यहाँ पे ये बताई गई है। फिर सबसे खास बात ये है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स है ना, ये प्राइवेट प्लेयर्स प्रॉफिट मोटिव पे काम करते हैं। अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स में इन प्राइवेट प्लेयर्स को ज्यादा प्रॉफिट मोटिव दिखेगा नहीं, लेकिन एक ऑलरेडी जो प्रॉपर तरीके से एसेट यूटिलाइज हो रहा होगा उसमें इनको प्राइवेट मोटिव दिखेगा, तो वो उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रॉपरली यूटिलाइज्ड एसेट है, अगर उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगी प्राइवेट कंपनी तो पैसा कमाने के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करेगी, तो बाद में उसी पर्टिकुलर एसेट से बहुत सारा पैसा निकालने की कोशिश करेगी वो प्राइवेट कंपनी, और वो पैसा किसकी जेब से निकलेगा, तो भाई लोगों की जेब से निकलेगा। तो हाईवे पे चल रहे हो तो टोल ज्यादा देना पड़ेगा, स्टेडियम में मैच दे रहे हो तो मैच देख रहे हो तो फीस ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं कोई दान धर्म में काम नहीं करेंगे, ये ऑब्वियस ही बात है, अच्छा खासा पैसा वसूलेंगे लोगों से, तो कुल मिला के चीजें महंगी हो जाएंगी लोगों के लिए। फिर कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी है,
आप किसी भी पर्टिकुलर एसेट की वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म में कैसे करोगे, एक सवाल, बड़ा सवाल है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर एसेट को 30 साल के लिए लीज पे दिया जा रहा है, तो आगे आने वाले 30 सालों में इकोनॉमी कितनी तेजी से ग्रो करेगी, ओवरऑल वो एसेट कितना तेजी से ग्रो करेगा, उस एसेट से रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी तेजी से ग्रो करेगी, इन सब चीजों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो मान लो एक हाईवे को कह लीजिए कि इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंदर सरकार ने प्राइवेट प्लेयर को दे दिया। अभी कल की डेट में आगे आने वाले समय में इस हाईवे पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो जो एक्स्ट्रा पैसे का कमाई है वो पूरी की पूरी प्राइवेट प्लेयर के पास चली जाएगी, सरकार उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। समझ के बात को, तो कुल मिला के, और सबसे खास बात ये है कि पैसा यहाँ पे वसूला जा रहा है कस्टमर से, तो कस्टमर्स की जेब में अल्टीमेटली पैसा निकलेगा, सरकार को पैसा मिलेगा, बट ये प्राइवेट कंपनी कस्टमर्स के बिहाफ पे पैसा कमाएंगी। और सबसे खास बात, जब एसेट का टाइम पीरियड खत्म होगा, मान लो कि 30 साल के लिए एसेट लीज पे दिया गया, अब ये 30 साल खत्म होने वाले होंगे ना, तब प्राइवेट कंपनी उसमें इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को लगेगा कि अब तो लीज का टाइम खत्म होने वाला है, तो अब क्यों इन्वेस्टमेंट करना। अभी मान लो जस्ट अभी सरकार से कोई एसेट 30 साल के लिए प्राइवेट कंपनी ने लीज पे लिया, तो शुरुआत में 10-20 साल तो उसका ध्यान रखेंगे जब तक उस प्राइवेट कंपनी के पास पैसा आ रहा होगा। जैसे जैसे ये जो लीजिंग का टाइम है ये खत्म होता जाएगा, वैसे वैसे प्राइवेट कंपनी उसमें इन्वेस्टमेंट करना कम कर देगी, उसको लगेगा कि अब तो हमारा टेन्योर खत्म हो रहा है, अब हम इसमें क्यों पैसा खर्चें। तो ओवरऑल जब तक ये एसेट 30 साल खत्म होगा तब तक इतना बर्बाद करके वो प्राइवेट कंपनी सरकार को एसेट वापस करेगी कि कोई मतलब नहीं रह जाएगा सरकार के लिए। मतलब जितने समय के लिए वो एसेट प्राइवेट कंपनी के पास है उतने समय के लिए इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे वो समय खत्म होने वाला होगा प्राइवेट कंपनी भी उसमें इन्वेस्टमेंट करना कम कर देगी। तो 30 साल के लिए हाईवे लीज पे लिया है तो पहले 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल तो इन्वेस्टमेंट करेगी, 25 साल तक कोई इन्वेस्टमेंट करे, आखिरी के 5 सालों में प्राइवेट कंपनी उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि 5 सालों के बाद ये वापस सरकार के पास चला जाएगा, ज्यादा पैसा आना नहीं है। तो एंड के 5 सालों में इतना भुगत देंगे उस एसेट को वो लोग कि सरकार के पास जब तक वापस जाएगा उसकी कोई भी वैल्यू नहीं बचेगी। प्लस यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एसेट की मोनेटाइजेशन आप किस प्रकार से करोगे, वैल्यूएशन किस प्रकार से करोगे, ये भी बड़ा इशू बनता है। तो पीपीपी वाले मोड में प्रॉब्लम है, जहां पे एक प्राइवेट कंपनी पूरा का पूरा एक सरकारी एसेट किसी गवर्नमेंट से ले रही है। तो गवर्नमेंट से अगर पूरा का पूरा एक सरकारी एसेट कोई एक प्राइवेट कंपनी ले रही है तो वहां पे इस प्राइवेट कंपनी के पास काफी सारे लेवरेज हो जाते हैं जिसको ये अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पे मान लो इनविट बनाए जाते हैं या इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाया जाता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गया। तो इस प्रकार के ट्रस्टों में एक ट्रस्टीज होते हैं और बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में ओवरऑल आप कह लो कि जो पीपीपी से का मोड है उससे ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होगा, ठीक है, जैसे मान लो इन्विट हो गया या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गया, इसमें कोई एक इन्वेस्टर पैसा नहीं डाल रहा है, इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे हैं। और एक इन्विट के पास एक सरकारी प्रोजेक्ट भी हो सकता है या पोर्टफोलियो ऑफ सरकारी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, 10 से 15, 20, 30, 40 प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। और उन प्रोजेक्ट्स के आधार पर इन्विट इन्वेस्टर से बोलेगा कि आके पैसा डालो। मैंने आज सुबह ही बताया है कि इंश्योरेंस, पेंशन फंड, रिटेल, हर लोग। तो इस पूरी एनालिसिस के आधार पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई हम लोग इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ओवरऑल यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा आपका सरकारी कंपनी में या फिर उस सरकारी एसेट में, उसमें जो इनहेरेंट एडवांटेज होगा वो तब होगा जब उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सरकार पैसा उठाए और सरकार उसको डेवलप करे। अगर प्राइवेट कंपनी को देते हो, प्राइवेट कंपनी उधार पर पैसा उठा के उसको डेवलप करती है, तो प्राइवेट कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देखिए, जब गवर्नमेंट बोरोइंग करती है तो उसको कम इंटरेस्ट रेट पे बोरोइंग मिल सकती है, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग करता है तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे बोरोइंग मिलती है। तो जब भी मान लो कोई प्राइवेट सेक्टर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उधार पे या फिर लीज पे लेता है तो उसके लिए बैंक वगैरह से लोन उठाएगा, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अब वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेगा, ज़्यादा खर्चा करेगा, तो फिर वो कंज्यूमर से ज़्यादा पैसा वसूलेगा, तो अल्टीमेटली चीज़ें कंज्यूमर्स के लिए, हम जैसे लोगों के लिए महंगी हो जाएंगी। दूसरा, अगर सरकार ओवरऑल पैसा उठा के यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है और उसके बाद उसको मोनेटाइज करती है तो सरकार को बोरोइंग का खर्चा कम देना पड़ेगा, तो ओवरऑल चीज़ें फाइनली लोगों के लिए सस्ती होंगी, ज़्यादा महंगी नहीं होंगी। एक तो ये चीज़ यहाँ पे निकल के आई। दूसरा, अगर आप इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू मोनेटाइजेशन करते हो
तो वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप पीपीपी रूट के थ्रू मोनेटाइजेशन करते हो तो ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। पीपीपी रूट में एक प्राइवेट कंपनी यहाँ पे निगोशिएट कर रही होगी सरकार के साथ एक एसेट को लेके, तो वो ज्यादा चीजों को अपने फेवर में एक्सप्लॉइट कर सकती है और ओवरऑल लोगों के लिए चीजें महंगी कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में बहुत सारे लोगों का पैसा इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंटल रेगुलेशन ज्यादा हो जाता है, तो ओवरऑल गवर्नमेंट फेवर में रहेगी यहाँ पे। मतलब ओवरऑल पब्लिक के लिए चीजें ज्यादा फेवरेबल तब रहेंगी जब इन्विट के थ्रू इन्वेस्टमेंट आए, पीपीपी रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट आएगा, तो चीजें फाइनल प्रोडक्ट्स जो है वो लोगों के लिए महंगे हो सकते हैं। तीसरा कि वी आर बेटर ऑफ मोनेटाइजिंग अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स, वो एसेट्स जो अंडर यूटिलाइज्ड हैं उनको ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए हमको, ना कि वेल यूटिलाइज्ड। जो वेल यूटिलाइज्ड एसेट्स हैं वो ऑब्वियसली बात है प्राइवेट प्लेयर को ज्यादा फायदा दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म में उस एसेट्स में कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट भी नहीं करेंगे और जब तक वो प्राइवेट प्लेयर उन एसेट्स को वापस करेगा सरकार को वो बिक चुका होगा। लेकिन अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स में सच में डेवलपमेंट होगा, ओवरऑल सरकार को भी फायदा होगा और प्राइवेट प्लेयर को भी फायदा होगा। प्राइवेट प्लेयर की तरफ से भी यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए ऐसा बोला जा रहा है। चौथा, टू एंश्योर प्रॉपर एग्जीक्यूशन देर इज अ केस फॉर इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोसेस, मतलब इस पूरे के पूरे प्रोसेस को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग एजेंसी की जरूरत है, इसलिए सरकार यहाँ पे सेटअप कर सकती है एसेट मोनेटाइजेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी। ये जो एसेट मोनेटाइजेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी है इसमें कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स होंगे, तो ये अथॉरिटी मोनेटाइजेशन के सारे एस्पेक्ट्स को देखेगी, चाहे वो वैल्यूएशन हो, कस्टमर को कितना प्राइस चार्ज करना है, ठीक है ना, अंडर यूटिलाइज्ड वर्सेस वेल यूटिलाइज्ड एसेट्स का मोनेटाइजेशन में पैसा किस हिसाब से इन्वॉल्व होगा, अलग अलग सेक्टर्स में कैसे एक्सपीरियंसेस निकल के आ रहे हैं मोनेटाइजेशन के, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। आई होप थोड़ा बहुत चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हुई हो। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। केरलाज राइजिंग कोविड 19 केसेस एक्सपेक्ट कंसर्न्स दैट द सर्ज लार्जली बाय द डेल्टा वेरियंट पोटेंशियली लीडिंग टू अ थर्ड इंडिया वाइड वेव मे बी एग्जैगरेटेड। देखिए यहाँ पे ओवरऑल बात की जाती है कि फिर से कोविड 19 को लेके केरला न्यूज में, केरला स्पॉटलाइट में। खास बात यहाँ पे ये है कि केरला की बात की जाए तो ओवरऑल देश की आबादी का परसेंटेज देखा जाए तो केरला में देश की केवल 2.5% आबादी है, लेकिन रिसेंटली जो कोरोना वायरस के केसेस निकल आ रहे हैं देश के 60% केसेस केरला से निकल के आ रहे हैं, तो देश के 2.5% आबादी वाला प्रदेश देश के 60% अगर कोरोना के केसेस दे रहा है तो थोड़ी टेंशन की बात है। अब हमको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कोरोना केसेस केरला से ज्यादा क्यों आ रहे हैं। जो नेशनल वाइड सेरो प्रेवलेंस सर्वे कराई गई इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा मई 2021 में, उसमें यह पता चला कि कोविड 19 की जो एंटीबॉडीज थी वो केरला के लोगों में लोएस्ट थी। अगर नेशनल एवरेज कोविड 19 की एंटीबॉडीज का 68% है तो केरला में वो 44% है, तो मतलब केरला के लोगों के खून के अंदर एंटीबॉडीज कम है तो दे आर हाईली वल्नरेबल, ठीक है ना। जो उनकी आबादी है वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि इट इज वल्नरेबल टुवर्ड्स कोविड, क्योंकि एंटीबॉडीज कम थे, तो जहां पे एंटीबॉडीज कम होंगी वहां पे वायरस ज्यादा इफेक्ट करेगा, बहुत सिंपल बात है। अब हमको ये पता है कि ये वायरस तब तक स्प्रेड करता रहेगा जब तक एक सर्टेन लेवल ऑफ हर्ड इम्यूनिटी ना आ जाए। तो बेसिकली ऑथर के यहाँ कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में वैक्सीनेशन कम होने की वजह से शायद, या फिर शुरुआत में नेचुरल इन्फेक्शन कम होने की वजह से ओवरऑल केरला में हो सकता है केस लोड कम हो, लेकिन बाद में एकदम से केरला में बहुत ज्यादा तेजी से इन्फेक्शन फैलने शुरू हुए। ये भी हो सकता है कि शुरुआत में हो सकता है केरला का मैनेजमेंट कोविड को लेकर अच्छा रहा हो, उसके चलते उन्होंने थोड़े केस वहां पे कम कर लिए हो और बाद में वही केस बढ़ने लगे वहां पे जब डेल्टा वर्जन फैल रहा था। अब तो देखा जाए तो ओवरऑल केरला ने ऑलरेडी अपनी पॉपुलेशन के 75% एडल्ट्स को एक डोज दे दिए, जबकि पूरे देश में 55% लोग हैं जिनको आप कह सकते हो कि वन डोज मिल गई है। दो तीन दिन पहले मैंने एक शॉर्ट बनाया था जहां पे बोला था 50% लोगों को सिंगल डोज मिल गई है। तो कुल मिला के अगर आप कोविड 19 के केसेस देखें ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ मे इन केरला, तो डेली के बेसिस पे 40,000 केसेस आ रहे थे केरला में इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे। उस समय पे आप कह सकते हो कि आपकी कोरोना की ये जो सेकेंड वेव थी चल रही थी, केरला में भी शुरू हो रही थी। फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे केरला में दिन के केस 11,000 से 12,000 पे आ गए, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट लगभग 10% थी जुलाई के फर्स्ट वीक में इस बार। उसके बाद आप देखोगे कि अभी के लिए अगस्त में केरला में नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ने लगे हैं। उसका रीजन ये है कि अगस्त में टेस्टिंग भी बहुत हो रही थी केरला में, दिन में 2,00,000 टेस्ट कंडक्ट हो रहे थे आपके केरला में, ओके। और ओनम की सेलिब्रेशन के चलते क्या हुआ कि जो डेली टेस्टिंग थी वो केरला में थोड़ी कम हो गई है। पहले डेली टेस्टिंग लगभग 1.7 लाख की हो रही थी, फिर 1,00,000 पहुंच गई। तो ओनम के चलते आप देखोगे कि थोड़ा लॉकडाउन को रिलैक्स कर दिया गया, टेस्टिंग थोड़ी कम कर दी गई, तो सबको लगा कि हाँ भाई केसेस कम हो रहे, बट एक्चुअली में केसेस कम नहीं हो रहे हैं। जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट था
ओवरऑल केरला का वो 12% से 17% पहुंच गया। कुछ लॉकडाउन रिलैक्स कर दिया गया, इंटरमीडिएट स्पाइक देखने को मिला है, और ये सब कुछ ओनम की वजह से हुआ। तो ओनम की वजह से यहाँ पे केसेस बढ़े हैं आपके केरला में, जो टेस्टिंग है वो थोड़ी कम हुई है, तो कम टेस्टिंग के चलते ओवरऑल नंबर ऑफ केसेस कम दिख रहे हैं, बट एक्चुअली में नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे ज्यादा है। तो ये सब कुछ रीजंस बताए जा रहे हैं आपके केरला में बढ़े हुए केसेस के। अच्छा, 90% जो भी जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई गई है आपकी केरला में, उसमें पता चला कि जो मेन वेरिएंट है जो कि केसेस को फैला रहा है केरला के अंदर, वो है डेल्टा वेरिएंट। ठीक है ना, डेल्टा वेरिएंट वो वेरिएंट है दैट वाज अ प्राइमरी रीजन फॉर द मेजॉरिटी ऑफ केसेस ड्यूरिंग द सेकंड वेव इन द रेस्ट ऑफ इंडिया। और 90% ऑफ द सैंपल्स जो कि अभी केरला में टेस्ट हुए हैं वो किसकी वजह से है, वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से। इनफैक्ट डेल्टा वेरिएंट तो इतना डेंजरस है कि इसने पूरे देश में सेरो प्रेविलेंस को 68% पे पहुंचा दिया। ओके, तो ये जो फोर्थ ICMR का सेरो सर्वे हुआ है उसमें जो सेरो प्रेविलेंस निकल के आ रहा है वो 68% निकल के आ रहा है। तो मेनली डेल्टा वेरिएंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शन। केरला में 90% केसेस के लिए आपका डेल्टा वेरिएंट रिस्पॉन्सिबल है। केरला के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो इस वेव के दौरान जब यहाँ केरला में दिन में 40,000-60,000 केसेस आ रहे हैं, तब उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ऑलमोस्ट पीक पे पहुंच चुका है। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 28% तक पहुंच गया, और ओवरऑल आगे आने वाले समय में ये सिचुएशन कंटिन्यू रहती है तो केरला में और ज्यादा केसेस देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के केसेस भी आपको केरला में बहुत देखने को मिल रहे हैं। तो अथॉरिटीज को कॉशियस रहने की जरूरत है, इंक्रीज्ड हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, तो हेल्थ केयर सिस्टम्स को रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही। इनफैक्ट स्टेट को जो भी उनके एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर उसका स्टॉक लेने की जरूरत है, ये देखने की जरूरत है कि करंट केस लोड कब तक बढ़ सकता है, क्या उनके पास अवेलेबिलिटी है हॉस्पिटल बेड्स की, ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की। ओवरऑल केरला ये भी कर सकता है कि इमीडिएटली इस बढ़ते हुए जो भी केसेस हैं इनको अरेस्ट करने के लिए कुछ हफ्तों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगा दे। तो कुछ हफ्तों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लग जाएगा तो वैक्सीनेशन भी तेजी से हो जाएगा और ओवरऑल जो केस लेड है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई। आज के आखिरी आर्टिकल की तरफ चलते हैं, नियर एंड प्रेजेंट। इंडिया डज नॉट हैव द लग्जरी ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम द टिकिंग बॉम्ब इन इट्स नेबरहुड। ये कुल मिला के काबुल एयरपोर्ट पे जो बॉम्बिंग है उसके बारे में बात कर रहे हैं। 100 लोगों की वहाँ पे जान गई है। ओवरऑल एक रेजिडुअल ऑप्टिमिज्म है, मतलब पहले एक ऑप्टिमिज्म था कि एक बार अगर वेस्टर्न कंट्रीज आपकी अफगानिस्तान के बाहर पुल आउट कर जाएंगी तो टेररिस्ट एक्टिविटीज खत्म हो जाएंगी। ये बात क्लियर हो गई कि टेररिस्ट एक्टिविटीज अफगानिस्तान में खत्म होने वाली नहीं है। आगे आने वाले समय में हमें और ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज अफगानिस्तान में देखने को मिल सकती हैं। इनफैक्ट अभी के लिए जो इस्लामिक स्टेट खुरासन में ये जो अटैक करवाया काबुल एयरपोर्ट के ऊपर, इससे एक बात और क्लियर हो जाती है कि जो नया तालिबान का रिजाइम, इसने जो भी प्रैक्टिसेस, जो भी प्रॉमिसेस किए हैं कि हम टेररिस्ट अटैक अपनी धरती पर नहीं होने देंगे, वो प्रॉमिसेस थोड़े हॉलो लग रहे हैं। क्योंकि काबुल के ऊपर जो ग्रुप एक्टिव है तालिबान का, वो है हकानी ग्रुप। तो तालिबान का हकानी ग्रुप के पास कंट्रोल है काबुल का, और तालिबान के हकानी ग्रुप ने पहले आईएसएस खुरासन के साथ मिलकर पहले भी टेररिस्ट अटैक्स करवाए हैं। इनफैक्ट ये जो तालिबान का हकानी ग्रुप है, ये इंडिया के अगेंस्ट भी बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज को करवाने के लिए जाना जाता है। तो कुल मिला के जो पहले हम लोग के पास ये ऑप्टिमिज्म था कि हाँ भाई, ये एक बार ये US अफगानिस्तान से निकल जाएगा तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली नहीं है, टेरर ग्रुप्स अफगानिस्तान की ज़मीन पर प्रोलीफरेट करेंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे इस थ्रेट को एक्नॉलेज करना चाहिए और इसके साथ डील करना चाहिए। क्योंकि देखिए, सीधी सीधी बात है, हमारे पास बहुत सारी तरफ से चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान के साथ LOC पे भी हमारे पास चैलेंज है, चाइना LAC पे एग्रेशन कर रहा है, और ओवरऑल अब ये जो टेररिस्ट ग्रुप का डर है अफगानिस्तान में, ये भी उठ के हमारे सामने आ गया। तो फिर ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं, कि इंडिया को डिप्लोमेसी पे फोकस करना चाहिए, UN में हम लोग प्रेसिडेंट हैं तो UNSC को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहिए। एज अ प्रेसिडेंट ऑफ UNSC हमें UNSC का इस्तेमाल करके तालिबान के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अब ये सब बकवास बातें यहाँ पे ऑथर लिख रहा है। ऑथर को ये नहीं पता है कि जैसे UNSC में इंडिया इसके बारे में कोई भी बातचीत करेगा, चाइना और रशिया उसको ब्लॉक कर देंगे। रीजन बीइंग कि ये दोनों तालिबान के बिल्कुल प्रो हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग मर रहे हैं जी रहे हैं। फिर यहाँ पे ऑथर ये बोल रहा है कि इंडिया को कोशिश करना चाहिए कि चीन UNSC का इस्तेमाल करके ओवरऑल ये जो तालिबान चीफ है हैबतुल्ला अखुंडजादा, इसके ऊपर प्रेशर डाला जाए कि तालिबान का जो हकानी फैक्शन है, सिराजुद्दीन हकानी जिसके हेड है, उसको तालिबान की लीडरशिप में इन्वॉल्व ना किया जाए। ये भी बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रहा है ऑथर यहाँ पे। तालिबान कभी भी इंटरनली अपने आप को कमजोर नहीं करेगा डिवाइड करके, तो इंडिया यहाँ पे कुछ भी करने की कोशिश कर ले, UNSC के माध्यम से तालिबान के अगेंस्ट कुछ होने वाला ज्यादा है नहीं। ये बोल रहे हैं कि हकानी
जो फैक्शन है आपका तालिबान को, उसके लीडर को ओवरऑल हटा दो तालिबान के नेटवर्क से, ये सब कहाँ होने वाला है? यहाँ चाइना जो रशिया जैसी कंट्रीज ओपनली आप कह सकते हो सपोर्ट करती हैं तालिबान को, तो देर इज नॉट मच इंडिया कैन डू। इनफैक्ट हम लोग यूएनएससी में इस इशू को उठाते भी हैं तो एंड में हमको ह्यूमिलिएट ही होना पड़ेगा, क्योंकि वो टेररिस्ट जिन्होंने इंडिया के खिलाफ सीधे सीधे टेरर अटैक्स करवाए हैं उनके ऊपर तो हम यूएनएससी में सैंक्शंस लगवा नहीं पाए, चाइना ने उनको ब्लॉक कर दिया, तो तालिबान के ऊपर हम क्या ही सैंक्शंस लगवाएंगे? प्लस ये जो हकानी ग्रुप है, दिस इज ऑल्सो बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेरर एंड सुसाइड अटैक्स ऑन इंडियन कंसुलेट्स। जी हाँ, इंडियन कंसुलेट्स और इंडियन एम्बेसी के ऊपर जो अटैक्स हुए थे 2008-09 में, ये हकानी ग्रुप ने करवाया था। तो डेफिनेटली ये ग्रुप एंटी इंडिया है। ये जो अफगानिस्तान का तालिबान फैक्शन है, ये जो तालिबान का हकानी फैक्शन है जो कि काबुल पे कब्जा करके बैठा है, ये भी बहुत हद तक एंटी इंडिया ही रहा है, बहुत हद तक इंडिया के ऊपर इसने टेरर अटैक्स करवाए हैं, बट सैंक्शंस उनके ऊपर लगवाना अपने आप में बहुत मुश्किल है। फिर 1988 की एक सैंक्शंस कमेटी बनी थी, उसकी चेयरमैन था इंडिया, उसमें 135 तालिबान मेंबर्स को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बोला गया था, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे। ओके, कुल मिला के यहां पे मोदी जी आगे आने वाले समय में यूएस जाने वाले हैं, वहां पे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की एक मीटिंग को वो एड्रेस करेंगे, फिर क्वाड समिट को भी वो एड्रेस करेंगे, तो उस समय पे अफगानिस्तान की सिचुएशन पे इंडिया का स्टैंड क्लियर होना चाहिए, ऐसा ऑथर बोल रहे हैं। यहाँ पे सीधे सीधे तालिबान के अगेंस्ट इंडिया को बोलना चाहिए, तालिबान के कुछ फैक्शंस के अगेंस्ट इंडिया को बोलना चाहिए, मतलब टेररिज्म पे इंडिया को एक प्रॉपर स्टैंड लेना चाहिए। ये व्यू पॉइंट मेरे हिसाब से सही नहीं है, वेट एंड वॉच जो हमारी सरकार गेम खेल रही है वो ज्यादा सही है, क्योंकि हम स्टैंड लेंगे तो चाइना जैसी कंट्रीज को मौका मिल जाएगा हमें ह्यूमिलेट करने का और हमारे डिफरेंसेस के और हमारे आप कह सकते हो कि इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करने का। तो सबसे बेस्ट तरीका यहाँ वेट एंड वॉच है, और जब लगे कि यहाँ अपॉर्चुनिटी आए तो चुपचाप से अपनी चेस की चाल चल दो, यही यहाँ पे मोडस ऑपरेंडी होनी चाहिए, यही प्रेजेंट सरकार की मोडस ऑपरेंडी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे यूजफुल सीखने को मिला हो। तीन ही आर्टिकल्स थे, ज्यादा बड़े आर्टिकल्स थे नहीं, सैटरडे को वैसे भी आर्टिकल्स ज्यादा होते नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग अपने डिस्कशन को खत्म करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।